सबसे ज्यादा कि मतलब रहने का बहुत अच्छा व्यवस्था दिया, 3 दिन का जो हम लोगों का रहना था, खाना पीना बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे से हम लोगों की व्यवस्था दी गई है, खाने पीने में भी कोई कमी नहीं की गई है, तीनों टाइम का वेस्ट था और हम लोग यहाँ पे अच्छे से रहे, खाने पीने की और भी व्यवस्था की गई थी, आने जाने का भी इसमें व्यवस्था दिया गया था और विजयी होकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। नर्वस तो बहुत थे पर जब विजयी हुए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। पहले जो है मध्य प्रदेश की टीम 2-0 से विजयी हुई। आपको बताते चले कि पिछले 3 दिनों से यानी 15, 16 और 17 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था बारून शहीद भगत सिंह खेल मैदान में और आज जो है इसका फाइनल जो है मध्य प्रदेश की टीम जो है शील्ड जो है जीती, विजेता बनी है। मैं हूं श्रवण यादव और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया लाइव। तो आइए हम इससे जुड़े जो मध्य प्रदेश से चलकर बहने लोग आई हुई थी जो विजेता हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आप कैप्टन हुए जी सर, नाम बताइए। मेरा नाम अंजलि जायसवाल। 3 दिन से आप बिहार में हैं, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपकी टीम जो है विजयी होकर बिहार से मध्य प्रदेश एक साइकिल और ट्रॉफी और बहुत सारे उपहार लेकर जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बिहार को लेकर और खास कर जो जिस जगह पर आए हैं? बिहार को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेला का टूर्नामेंट किया गया है और हम लोग इसमें आए, अपना बेस्ट दिया और 3 दिन का जो हम लोगों का रहना था, खाना पीना बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे से हम लोगों की व्यवस्था दी गई है, खाने पीने में भी कोई कमी नहीं की गई है, तीनों टाइम का बेस्ट था और हम लोग यहाँ पे अच्छे से रहे, खाने पीने की और भी व्यवस्था की गई थी, आने जाने का भी इसमें व्यवस्था दिया गया था और विजयी होकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। नर्वस तो बहुत थे पर जब विजयी हुए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। पहले और किस किस राज्य में आप फुटबॉल मैच खेल चुके हैं? मैं टूर्नामेंट ये बिहार में मतलब फर्स्ट बार और इससे पहले मतलब 2 टूर्नामेंट ही खेली हूँ। बिहार में फर्स्ट टाइम? हाँ बिहार में फर्स्ट टाइम। बिहार को ऐसे लोग बहुत सारे लोग बदनाम, हाँ बिहार को बदनाम करते हैं तो, पर यहाँ पे आने के बाद पता चला कि नहीं अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई भी अच्छे मतलब अच्छे से देखभाल किया गया है यहाँ पे, कोई भी मतलब हर एक गर्ल्स की जो आई है चारों टीमों की बहुत अच्छे से व्यवस्था दी गई है रहने की, उनकी मतलब देखभाल वगैरह सारे लोग बहुत अच्छे से किए। और ये जो क्या खेल में आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, बहुत मेहनत हम लोगों ने किया, हाँ बहुत ज़्यादा, थोड़ा शेयर कीजिए। अरे मतलब जब हम लोग खेल रहे थे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर बन गया था कि कैसे हम लोग जीतेंगे, पर बोलते हैं ना किस्मत सब जीतने के बाद सब लोगों ने कहा कि किस्मत साथ दे दी है, किस्मत तो सभी की साथ देती है, ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों की सिर्फ किस्मत साथ दे रही, अगर हम लोग भी मेहनत किए वो लोग भी मेहनत किए हैं, जब हारते तो लोग बोलते कि नहीं किस्मत ही साथ दी है, ऐसा थोड़ी है, अगर हम लोग ने मेहनत नहीं करता तो जाके आगे तक थोड़ी ना 90 मिनट का गेम होता, हम लोग पहले ही गोल खा गए रहते, हम लोगों ने पेनाल्टी तक को उसको लाया था, तो हम लोगों ने मतलब बहुत मेहनत किया और लोगों को होता है बुरा लगता है सबको, हम लोग भी हारते तो बुरा लगता है, सामने वाले को भी बुरा लगा और हम लोगों को जीत हासिल करके बहुत अच्छा, मन में लेकर आई थी कि जाऊंगी तो जीत कर ही जाऊंगी, हार कर नहीं जाऊंगी। फील्ड में काफी इनका अच्छा प्रदर्शन आपका रहा है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम नैन्सी पांडे है। क्या कहना चाहेंगे बारून में जिस तरह से अपने लोगों ने मैच खेला और भीड़ भाड़ जिस तरह से देखा, क्या कहना चाहेंगे इसको? भीड़ तो बहुत थी, पहले उतना तो वो नहीं था कि जीतेंगे ही, और जैसे मैच है तो वो सही है, मतलब हम लोग पहले बहुत नर्वस थे, हम लोग ये नहीं था कि मतलब जीतेंगे ही, लेकिन जब मतलब मैच खेले जिस हिसाब से सब मेहनत किए, और सबसे ज़्यादा तो मैं गोलकीपर को बोलूँगी कि गोलकीपर ने जब इतना बॉल बचाया तो उसका सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगी। गोलकीपर कौन है? गुमा केवट तो अंदर है। ऐसा लोग ऐसा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के साथ किस्मत था, मेहनत ये लोग उतना नहीं करेंगे, किस्मत इन लोग के साथ था कि जीत गए। हाँ मानते हैं किस्मत साथ देती है, लेकिन जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो किस्मत किस काम की, और किस्मत सबकी होती है, मेहनत सभी ने किया और अपोजिट टीम वाले ज्यादा मेहनत किए, हम लोगों ने भी मेहनत किया था तभी ना आज यहाँ तक पहुँचे। टीम के सदस्य जो आप लोग आयोजन करता था उन लोग को एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप लोग की व्यवस्था की है, आप लोग यहाँ रहना आना जाना पहुँचा? व्यवस्था वगैरह सब ठीक था, खाना पीना भी बहुत अच्छा था और तीनों टाइम का था, और सबसे ज़्यादा कि मतलब रहने का बहुत अच्छा व्यवस्था दिया गया। बिहार को एक लाइन में कहना तो क्या कहेंगे? चलिए बिहार को लेकर, बिहार मतलब बिहार जो स्थान है बहुत अच्छा है, अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, सही पूरी तरह से सेफ्ड हम लोग, पब्लिक और सभी लोगों से आप लोगों का, हाँ बिल्कुल। मुझे एक चीज़ और बोलनी है,
हाँ, मुझे ये बोलना था कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने महिला का टूर्नामेंट कराया, और सबसे बड़ी धन्यवाद कि हमारे गोलकीपर एंड और हमारे सर का, जो हम लोगों के यहाँ तक लाने के बहुत बहुत धन्यवाद किए थे। गोलकीपर हैं हमारी, आइए बैठिए, आइए इधर आ जाइए। हमारी सबसे छोटी बहन सर गोलकीपर ही हैं, क्या कहेंगे, सबसे दाफी का लोग तारीफ कर रहे हैं, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे टीम के सदस्य हो। हमारे कोच जो हमें लेके आए यहाँ तक, और मेरा नाम उमा केवट है। क्या फीस बताइए, क्या नाम बताए? उमा केवट, मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से आई हूँ, बाणसागर से, जहाँ हम एक छोटी सी जगह में प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे कोच सीताराम सहीस, उनकी वजह से हम आज तक इतना खेल पाए हैं, और जो हमें यहाँ लेके आए वो सर का नाम लौकुश सर, जो हमें यहाँ तक लेके आए और हमें खेलने का मौका मिला है। और गोलकीपर के रूप में आप काफ़ी मतलब यहाँ फेमस हो चुकी हैं बारून में, जिला में। हो गया, मेहनत की वजह से ही फेमस हुई हूँ। मतलब क्या पहले से एक्सपीरियंस था आपको, बचपन से ही शौक था गेंदा पकड़ने का? नहीं, बचपन से तो नहीं, 9th से स्टार्ट हुई है। कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th में। 12th में 9th क्लास अपना करियर स्टार्ट किया था। हाँ, आगे का क्या प्लानिंग है? आगे का तो फुटबॉल में, अभी नेशनल तो खेल लिया, इंडिया के लिए खेल रहा है अभी। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आपने अपने टीम को लेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, इतने गार्जियन लोगों का आपने दिल जीता है, जितने भी यहाँ पर बहने लोग आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं कमेटी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देंगे, और यहाँ पे जो कमेटी ने इतना बड़ा अच्छा आयोजन करा है गर्ल्स का, हमारे ख्याल से लगता है कि अभी इंडिया में धीरे धीरे गर्ल्स का भी प्रोत्साहन हो रहा है टूर्नामेंट कराने के लिए, तो हम चाहते हैं कि हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर संभाग में गर्ल्स को भी आगे लाया जाए। तो जो कमेटी ने इस टूर्नामेंट को कराया बहुत अच्छे तरीके से कराया, गर्ल्स की जो सुविधाएं थी उसको भी बहुत अच्छी मिली, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ, गर्ल्स की सबसे बेहतरीन जो होता है सुरक्षा और सेफ्टी, वो चीज़ हमें कमेटी के द्वारा मिला, तो मैं तो बहुत, बिल्कुल हम लोग बहुत खुश हैं, और अगली बार हम इससे भी अच्छी टीम लेके आएंगे, ये मेरा वादा रहा। ये लोग भी अच्छी हैं सर, ये भी अच्छी हैं, लेकिन इनसे भी अच्छी इनसे भी अच्छी लेके आएंगे। कमेटी ने हमें इस बार बुलाया है, हमारा नंबर इसमें है 9753869011, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास सीनियर गर्ल्स की भी टीम है जो, और बालक की भी है, हम लोग टोटल टूर्नामेंट खेल ही रहे हैं, MP UP हर जगह, जो भी हमसे संपर्क करेगा वो खेल सकता है। धन्यवाद।